दोस्तों सैमसंग अपनी गैलेक्सी S21 सीरीज को बस अब कुछ दिन में अनरिवील करने वाला है और इस वक्त तक तो हम इस गैलेक्सी S21 सीरीज की हर एक छोटी से छोटी डिटेल के बारे में जान चुके हैं, पर ये S21 सीरीज है ये लीक होने से रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। ये हर दिन किसी न किसी रूप में न्यूज में आई जाती है। दोस्तों पिछली बार हमने इस गैलेक्सी S21 सीरीज के सारे डिवाइसों की ऑफिशियल कैमरा स्पेसिफिकेशंस देखी थी और आज बेल्जियम में एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उन्होंने एक्सीडेंटली इस गैलेक्सी S21 सीरीज के सारे डिवाइसों की ऑफिशियल प्राइस और ऑफिशियल स्पेसिफिकेशंस अनरिवील कर दी। इस करियर ने एक्सीडेंटली इस गैलेक्सी S21 सीरीज में जो तीनों डिवाइस होंगे उनकी ऑफिशियल प्राइस और ऑफिशियल स्पेक्स पोस्ट कर दिए। हाँ, इस वक्त तक तो वो पेज हटा लिया गया, पर कुछ टिप्स्टर हैं वो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों अब सबसे पहले इस गैलेक्सी S21 सीरीज के तीनों डिवाइसों की प्राइस की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो गैलेक्सी S21 का बेस वेरिएंट होगा जिसमें हमें 128 गीगाबाइट की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। हाँ, और आपको मैं बता देता हूँ कि ये यूरो में प्राइस है, मैं आपको इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो हमें इन डिवाइसों की जो इंडिया में प्राइस देखने को मिलेगी वो इनसे कुछ ज्यादा होने वाली है। तो जो बेस गैलेक्सी S21 होगा उसकी 849 यूरो प्राइस होने वाली है और जब हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 75,000 रुपीज होती है। तो हमें इंडिया में इस गैलेक्सी S21 की एक्चुअल प्राइस 75,000 से कुछ ज्यादा ही देखने को मिलेगी। और जो गैलेक्सी S21 प्लस होगा उसकी 1049 यूरो प्राइस होने वाली है और जब हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 93,000 रुपीज बनती है। और जो इस गैलेक्सी S21 सीरीज का सबसे फ्लेक्सिव वेरिएंट होगा गैलेक्सी S21 प्लस, उसकी 3099 यूरो प्राइस होगी और जब हम इसे इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 1,24,000 रुपीज होती है। और दोस्तों जब हम इसकी स्पेक्स लिस्ट देखते हैं तो ये एकदम से साफ हो गया कि जो इसका EU वर्जन होगा उसमें हमें एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और हमें अब की बार भी इंडिया में एक्सिनोस 2100 प्रोसेसर देखने को मिलेगा। पर इस चीज को लेकर हमें अब की बार दुखी होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जिस तरीके से सैमसंग ने इस प्रोसेसर पे काम किया उसके कारण हमें इसकी परफॉर्मेंस इस वक्त जितने भी फ्लेक्सी प्रोसेसर मौजूद है उनसे सबसे बेस्ट होने वाली है और हमें इसकी बैटरी परफॉर्मेंस में भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों आप क्या सोचते हो इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।